So, hey guys, we are back with more Call of Duty Mobile, and today I'm gonna show you some new stuff. Just a second, right here, this. बैटल रॉयल आपने से जिन्होंने भी खेला होगा उनको पता होगा कि हर बैटल रॉयल में जो अभी आप स्पेशल पास पावर होती है, पर ये न्यू पावर है जो अभी अभी आई है, ये मेरी अभी अभी खुली है और क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप कैसे ले सकते हैं और आपको इसे कैसे यूज करना है। ये तो आप देख ही सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है किल 5 एनिमीज इन बैटल रॉयल एंड ऐसे ऐसे करके कुछ और मिशन हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं। वो मिशन तो आपको सारे करने पड़ेंगे, उसके बाद आप इसको कलेक्ट कर पाओगे। कलेक्ट करने के बाद तो यार उसे कलेक्ट करने के बाद हम इधर आएंगे और इधर मैकेनिक के अंदर हम जाएंगे और इस जगह पर आपको ये एयरबोर्न वाली चिप मिलेगी जिसको मैं जस्ट अभी इक्विप कर लेता हूँ। और ये क्या है, इसकी स्किन है, इसको लगा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, सो हमने एयर बॉर्न इक्विप कर लिया है और मैं आपको इसको यूज करके दिखा देता हूँ। चलो अभी के लिए एक सिंगल बैरी लगा लेते हैं। स्टार्ट, एक बार तो मैं आपको यही पे इस चिप को यूज करके दिखा देता हूँ। तो आपको ये बटन दबाओगे, ये आपके सामने एक पूरी की पूरी मशीन आएगी हवा में से, ये आ गई और इसके बाद ये आपको हवा में उड़ा सकती है। गाइस, आपको बस ये बटन दबाना है और दैट्स हाउ यू कैन जस्ट आप दोबारा से हवा में जा सकते हो। और एक बार आप हवा में पहुंच गए तो इसका मतलब आप जोन के अंदर तो बड़ी आसानी से जा सकते हो, आप जोन में कहीं मर्जी उतर सकते हो। उसके बाद मैं आपको दोबारा उसी जगह पे जाके एक बार ही दिखा देता हूँ। ये रहा, आपको इसका निशान आता रहेगा। ओके, सो चलो अब आपको मेन मैच में दिखाता हूँ। उस मैच में उस जगह पे तो एक से ज्यादा बार दिखाने का इतना टाइम नहीं होता। I don't really play this too much. Nuke Town जाके देखते हैं। मैं आपसे पहले गया नहीं हूँ Nuke Town, क्योंकि एक ऐसी जगह है जो मल्टीप्लेयर में भी होती है। बस इसी करके मैं Nuke Town में जा रहा हूँ, वरना मैंने अभी तक देखा नहीं है मतलब Nuke Town में है क्या है। मैं किल हाउस जरूर जा चुका हूँ, ये किल हाउस वाली जगह है, एक बार जाके देख चुका हूँ। ये तो भाई एकदम सेम थी न्यू टाउन में। ओके, ये है वो जगह। एक सेकंड के लिए मेरे को लगा वो बंदा एनिमेटीज था। ओके, सो ये जगह भी काफी हद तक उस तरह से सेम है, लेकिन एकदम पूरी तरह सेम नहीं है, बस कुछ हद तक। एक मुझे कसम से कोई आइडिया नहीं है इस बात का कि इसके अंदर यहाँ पर इतनी क्लियरिटी नहीं है, मतलब इतनी ग्राफिक्स अच्छे नहीं है। इसके मल्टीप्लेयर में जिन्होंने इतना इसको ऑप्टिमाइज कर रखा है, उतना ऑप्टिमाइजेशन इन्होंने अभी तक यहाँ पे किया नहीं है। आई गेस एक बार ये उतना ही ऑप्टिमाइजेशन इसमें भी कर देना तो मजा ही आ जाएगा। क्या है इस बंदे के पास? और इसमें
एक छत पे जा रहा है भाई, अरे वाह टाइप 25 ये गन तो और बेटर लगती है। इसके अंदर कुछ नहीं, ये घर अलग है, ये घर इसमें होता नहीं है नॉर्मल मेन वाले मल्टीप्लेयर में तो नहीं होता ये घर। इधर ये घर दिखा रहा है जो और क्या अलग है, चिकोन चिकोन मच्छी नहीं लगी मेरे को, क्या बात है कोई एनिमी है नहीं है भाई। मेरा मस्त चलती है ना टाइप 25 एकदम हमेशा से बढ़िया लगी है भाई। ये सारे इधर ऐसे बंदे से क्यों खड़े हैं, कसम से वो मतलब क्रीपी लग रहा है मेरे को। ओके सो मेरा टर्मिनल रेडी होने वाला है या हो गया है, मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। कहाँ जा बतो बच्चा, 1K117 ले आऊंगा इसकी जगह पे, ये और बेटर रहेगी मेरे। ओ शिट 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 क्या बात है यार, छुपके बंदे मारने लग गए। जोन में जाना जरूरी हो गया था, सो ओके वी आर इन द जोन। आसपास ही गोलियां चल रही हैं, ड्रॉप डिलीवर हो गई, सामने से एक बंदा आ रहा है। थ्री एक्सेस के पास, पर आई डोंट थिंक मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी, सो लेट मी शो यू हाउ टू यूज दिस बहीमत। तो सो इसको लगाने के लिए आपको एक जगह चाहिए जिसको आप लगा नहीं सकते ऐसी जगह, हाँ यहाँ पे लग रहा है। सो अब आप हवा में से सीधा ये आके गिरेगा, था एंड नाउ यू कैन फ्लाई, या तो फुल दूर हवा में जाके जैक कर देता है और आप उसके बाद घूम के इधर उधर जाके कहीं मर्जी और जा सकते हो, या फिर आपका मूड है तो वापस उसी जगह पे। यहाँ से आप एक तो देख सकते हो आसपास बंदे किधर है, आपको कोई बंदा मतलब फायर आप पे कर सकता है इस वक्त, पर मतलब इजी थोड़ी ना होता है ऐसे हवा में उड़ते हुए एक बंदे पर फायर करना, और कितना इजी रहेगा कि मैं उस अगर कोई भी बंदा मेरे आसपास है तो मैं देख आया हूँ और मैं इसको जाके दोबारा यूज़ कर लेता हूँ। और एज क्योंकि मैं अभी सिंगल प्लेयर में खेल रहा हूँ, मैं इसको 4 बार यूज़ कर सकता हूँ, 4 बार मेरे को फुल हवा में पहुँचाएगा और मैं फुल दूर तक देख सकता हूँ। देख तो सही में फुल दूर तक सकते हैं भाई, ये बात तो है, और ये बात अच्छी है कि ये आप सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरी पूरी स्क्वाड के लिए है। जैसे ये एमपी ड्रोन वगैरह होता है वो पूरी स्क्वाड के लिए नहीं होता, वो सिर्फ पहले पहले बंदे के लिए होता है, जिस बंदे ने उसके पास वो पावर है असल में सिर्फ उस बंदे के लिए, पर ये पावर ऐसी है जो पूरे सबके लिए है। अरे शिट 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 भाई, ये मार जाता भी उनको,
I have to reload. साथ में अपने zip line है तो अपने उसको use करके जा सकते हैं आगे, तो अपनों को भी use करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Wait a second, ये जगह देखी देखी से लग रही है. ऐसी ऐसी जगह उसमें भी होती है PUBG में. कुछ कंटेनर्स पड़े होते हैं, दो ये ऐसे गोले गोले से जगह, कोई बंदा हो गया. क्या लेकर आए हो, क्या लेके जाओगे? बंदे पता नहीं क्यों मारने आ जाते हैं. ओ वाह, सामने वाले पे पड़ी है. ये देखो, ये ज़िपफायर में मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ. आप इसके पास में आओगे, आपके निशान आ जाएगा और फिर आप इसको यूज़ करके नीचे की तरफ जा सकते हो. ये तो सामने ड्रॉप पड़ी थी इसलिए मैं इधर आ गया. ड्रॉप में एक वॉर मशीन है. एक तरीके से तो मेरा काम आएगी भी बहुत, और एक तरीके से नहीं भी आएगी. क्या किया जाए, वॉर मशीन ले लूँ गाइस. चलो ले लेते हैं यार वॉर मशीन. मेरे को इसकी गोलियां छोड़ देता हूँ मैं. 15 गोलियों के साथ है ये वॉर मशीन. चलो कोई बात नहीं, पर अभी के लिए मेरे को वापस. इससे ये नहीं है कि आप सिर्फ नीचे जा सकते हो, इससे आप वापस ऊपर भी जा सकते हो. और बीच में छोड़ भी सकते हो इसको, पर बीच में छोड़ने का कोई फायदा नहीं है. बंदा है, इजी के उसके पास कुछ खास नहीं है. एक बारी जाके ड्रॉप ले आए और फिर यहाँ से वापस ऊपर चल देंगे. हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है कहीं यार, वो इधर ड्रॉप पे ना है. किधर गया हेलीकॉप्टर, किसी ने लैंड करवा लिया. शिट, हेलीकॉप्टर लैंड हो गया. This is not good. पर इस बारी वॉर मशीन का जलवा दिखाए हम. कैसा लगा भाई तेरे को वॉर मशीन का जलवा? अब एक एड्रेनलिन यूज कर लीजिए, फिलहाल मौका है. एक सेकेंड, एड्रेनलिन नहीं फर्स्ट एड यूज कर लेते. बहुत लोगों को इस बात का फ़र्क नहीं पता होता कि एड्रेनलिन और फर्स्ट एड में फ़र्क है. मैं ये बता देता हूँ, एड्रेनलिन आप कितनी भी हेल्थ पर लगा सकते हो, लेकिन फर्स्ट एड लगाने के लिए आपकी हेल्थ 75% से नीचे होनी चाहिए. दोनों हेल्थ फुल कर देती है वैसे, बस फर्क इतनी है कि उसके लिए आपकी हेल्थ फुल होनी चाहिए. तो आपकी हेल्थ 75% से नीचे होनी चाहिए. ठीक है, तो सर लास्ट के 3 धंधे रह गए हैं सर, जिसमें से एक हमको दिख गया है. मेरा टर्मिनल रेडी है, वो तो चलो ठीक है. ओके, सो ओनली 2 प्लेयर्स लेफ्ट. एक बार हम टर्मिनल को यूज करके देख लें. आ गया टर्मिनल हमारा वापस. इससे मैं अब हवा में देख पा रहा हूँ हर जगह पे, यही तो सबसे बढ़िया बात है इसकी. पर फिलहाल मेरे को कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा है आसपास भी. क्या किया जाए, ओहो हम ऐसे ही जीत गए. मेरे ख्याल से जोन से मर गया वो बंदा. सो गाइस, आपने देख लिया हाउ दिस पावर कैन बी रियली यूजफुल. और मैं तो यही कहूँगा कि बाकी पावर से तो बहुत अच्छी है ये गोल वाली पावर, आपको ये जरूर ले लेनी चाहिए. क्या है, आपको सिर्फ 2-4 मिशन से तो पूरे करने हैं. एक बार आपके मिशन पूरे हुए और आपके पास ये पावर खुल गई और हमेशा के लिए रहेगी तो है ही. ये चीज़ तो मतलब आप इसको ग्रांटेड ले सकते हो कि हमेशा पड़ी रहेगी. अगर आपको नहीं भी चाहिए तो भी आप ले तो सकते ही हो,
अगर आपको यूज नहीं भी करनी। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, माय लास्ट वीडियो वाज ऑल अबाउट दिस गन, द LK24। यू कैन वॉच इट ऑन माय चैनल और क्लिक द राइट आई बटन एंड गेट द वीडियो फ्रॉम देयर। दिस इज अ रियली इम्प्रेसिव गन, आई लव्ड इट। So guys, that's it for now, and that's it for this airboard. See you in the next one.